भगवान से मुलाकात। भाई आज मेरी भगवान से मुलाकात हुई। शमशान में जलते पुतलों को देखकर मैंने आत्मा से पुकार करी और प्रभु मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैंने उन्हें कहा कि भगवान ये कैसी लीला है आपकी, क्या इन चीखती चिल्लाती आवाजों के बीच आपका कोई भी नहीं? ये लोग धड़ाधड़ क्यों मर रहे हैं? क्या ये आपकी संतान नहीं? क्या इन्हें आपने नहीं बनाया? भगवान ने कहा कि इस दुनिया में आसमान से लेकर धरती के बीच जो कुछ भी है सब मैंने ही बनाया है। मैंने कहा कि ईश्वर क्या आपको इनका दुख सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता? भगवान ने कहा कि दुख तो मुझे इन तड़पती मुर्गी और मछलियों का भी दिखाई देता था, जिसे मनुष्य अक्सर अपना आहार समझकर खा जाता था। मैंने कहा कि भगवान लोग तो ये कहते हैं कि इन्हें आपने खाने के लिए ही बनाया है, इसे हमने फूड चैन नाम दिया। भगवान ने कहा कि जब तुम अक्सर ये मान लेते हो कि मैंने उन्हें इसीलिए बनाया है, तो तुम ये क्यों नहीं मान लेते कि मैंने तुम्हें इसीलिए बनाया है? मैंने पूछा, ऐसे जलने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, तड़पने के लिए? भगवान ने कहा, हाँ क्यों नहीं मान लेते? मैं मछली को पानी से बाहर निकालते वक्त जब तुम ये नहीं सोचते कि किसी की माँ, किसी की बहन या किसी का पिता तो नहीं है, पानी से बाहर निकालते ही उसकी ऑक्सीजन का लेवल भी धीरे धीरे 90 से 70, 70 से 60, 60 से 40 और 40 से खत्म। उस आखिरी समय में भी वो मछली मुझे ऐसे ही पुकारती है जैसे ये लोग आज मुझे सांस ना आने की वजह से पुकार रहे हैं। आज मैं देखता हूँ कि लोग इंटरनेट पर जो है कर्मा की पोस्ट डालते हैं कि आप किसी के लिए जो करेंगे आपको वैसा ही भुगतना होगा। आज तुम्हें अपने किए का दंड मिल रहा है तो तुम क्यों रोते हो? इसे स्वीकार करो कि मुझसे आस लगाए बैठे हो कि मैं तुम्हें आकर बचा लूंगा। हे मनुष्य, चल आज तू ये प्रण ले कि हर जीव को तू मेरी संतान मानकर दुखी नहीं करेगा, उसके दर्द को अपना जानेगा। चल आज मैं सब ठीक कर दूंगा। अगर आज तू इसी बात पर रहेगा कि मैं ये सब त्याग दूंगा।